फाइटोफथोरा। फाइटोफथोरा एक बीमारी पैदा करने वाला जानदार है जो कि आलू में ताखीरी मुर जाने वाली बीमारी का सबब बनता है। यानी कि फाइटोफथोरा जो है ये क्या होता है, एक बीमारी पैदा करने वाला जानदार है। फाइटोफथोरा क्या है, मतलब एक फाइटोफथोरा एक डिजीज। फाइटोफथोरा कहाँ पर, आलू और टमाटर में क्या है, एक बीमारी पैदा करने वाला। फाइटोफथोरा जो है आमतौर पर इस तरह बीमारी पैदा करता है कि जब फूल निकलता है उस वक्त आप देखेंगे तो क्या होगा, फाइटोफथोरा की वजह से आलू और टमाटर के जो मतलब जो क्या ना पत्ते मत्ते होते हैं वो जो मतलब मुख्तलिफ किस्म के रंग जैसा कि नेलगू और मतलब जर्द इस तरह मतलब क्या रंग में क्या होगा नजर आएगा, और बाद में वो क्या होता है वो रंग पूरे के पूरे टमाटर और आलू के पूरे के पत्तों और इसके स्टेप में छा जाता है। और इस फाइटोफथोरा की बीमारी को आलू टमाटर में कमज़ोर करने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के तरीके इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि बिल्कुल ऐसे टमाटर और आलू को इस्तेमाल करना चाहिए जो कहीं पर भी इस तरह की बीमारी से मतलब वो बिल्कुल महफूज हो। और ताकतवर आलू टमाटर इस्तेमाल करना चाहिए और इनको सही तौर पर पानी प्रोवाइड होना चाहिए और मतलब इनके लिए मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और नाइट्रोजेनस जो खाद इनको कम इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ा इस्तेमाल करके हम फाइटोफथोरा की डिजीज़ जो है इनको आलू और टमाटर में कम कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए, जो यानी कि आलू या टमाटर इस तरह की यानी फाइटोफथोरा की इस तरह की मतलब इसको नाइट ब्लाइट डिजीज़ को किस तरह के एक नाम है मतलब इस डिजीज़ के, उस डिजीज़ के मतलब जो भी टमाटर या के आलू इस बीमारी में मुबतला है तो इनको जला देना चाहिए। इस तरह हम इस बीमारी को कम कर सकते हैं। फाइटोफथोरा एक बीमारी पैदा करने वाला जानदार है जो कि आलू में ताखीरी मुरझाने वाली बीमारी का सबब बनता है। चाहिए था प्रोटोजोआ की तरफ हमारी बनाता है और प्रोटोजोआ के बारे में बात करें।